जिनाब एक बार फिर से आप सभी के लिए एडा में प्रॉपर्टी होगी महंगी। सेक्टर 22 डी का लेटेस्ट अपडेशन, यमुना अथॉरिटी का कौन सा नया ऑफिस फाइनली यमुना क्षेत्र में कौन से सेक्टर में खुलने जा रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट और क्या वजह है, ईडा क्षेत्र में क्यों अब आएगी आने वाले वक्त में तेजी, तो एक खास मिला जुला खास लेटेस्ट अपडेशन इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का जिन लोगों ने स्कीम में अप्लाई किया था, चाहे इस स्कीम में या कोई अन्य स्कीम में, या फिर वो किस्मत उनकी किसी वजह से ना खुल पाए, तो निराश ना हुए। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं। आपको एक शॉर्ट में बता दे, हम आपकी अंदरूनी आवाज है। इस आवाज को ध्यान से समझिएगा। मजबूती की बात करें तो आपको हम कभी टूटने नहीं देंगे, यही हमारा इस चैनल खोलने का माध्यम है और आपको हम ऊंचे स्तर पर जरूर पहुंचाएंगे, बस यही हमारी मनोकामना है। तो बने रहें और खास अपडेशन प्राप्त करते रहें। तो चलिए लेटेस्ट अपडेशन जल्दी से शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहला आपको ये साफ अक्षरों में हम बता दें, यमुना अथॉरिटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, चाहे हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, दोनों की वजह, और बात करें तो जो यूपी का ग्लोबल समिट 2023, एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में, यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में, यमुना सिटी के क्षेत्र में लाया जा रहा है और फर्स्ट चॉइस इन्वेस्टर्स की बन रही है, चाहे हम अपने इंडिया भारत की बात करें या अब्रॉड की बात करें। आपको ये बता दे, हर एक इंसान इधर यमुना क्षेत्र में आज की डेट में, छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपको ये बता दे कि अभी फिलहाल के लिए अगर हम एक लेटेस्ट अपडेशन की बात करें, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, तो उसके लिए आपको ये बता दे कि अभी एट प्रेजेंट 40% सिविल वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है और जितना रिमेनिंग काम बचा है उसके लिए भी बहुत जल्द टेंडर यमुना अथॉरिटी की तरफ से जनाब इश्यू हो जाएगा। आपको ये बता दे, लगभग ये जो प्लॉट्स है 37 एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलॉट किए गए हैं। अब बात करते हैं आपको नया अपडेशन की, सेक्टर 22 डी का, और साथ में यमुना अथॉरिटी में आखिर कहां नया ऑफिस खुलने वाला है, तो चलिए ये भी थोड़ा सुन लीजिए। आपको ये बता दे, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट वर्क इस क्षेत्र में या कोई भी अन्य क्षेत्र में काम का प्रगति बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, इन सब चीजों को देखते हुए यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक सेपरेट ऑफिस, जी हाँ, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का एक सेपरेट ऑफिस बहुत जल्द सेक्टर 22 डी में खोला जा रहा है। आपको ये बता दे, ये जो ऑफिस सेक्टर 22 डी में खोला जाएगा, इसका सीधा का सीधा फायदा हर एक इंसान को वाकई एरिया को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बता दे, जो ये ऑफिस सेक्टर 22 डी में जनाब खुलेगा, ये दो डिविजन्स में प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट इसका काम करेगा और हैंडल करेगा हर दिन की एक्टिविटी का वर्क विद प्रोग्रेस। जनाब अगला अपडेशन, क्यों ईडा क्षेत्र में प्रॉपर्टी होगी महंगी। आप सिंपल से आप फंडा समझ लीजिए, बड़े बड़े हम दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात करें, कहने का मतलब अदानी बिरला ग्रुप की ही हम बात करें, तो आज की डेट में वो रेडी हो गए हैं इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको ये बता दे, जितनी भी स्कीम्स यमुना अथॉरिटी ने एट प्रेजेंट निकाली हुई है, इसकी तारीख एक्सटेंड करी गई है। अगर हम होटल ग्रुप्स की भी बात करें, आपको पता था यमुना अथॉरिटी की होटल ग्रुप्स की स्कीम निकली थी, तो आपको ये बता दें, आज की डेट में सेवरल होटल ग्रुप जो मुंबई में स्थित है, उन्होंने इस होटल स्कीम में अप्लाई किया। लगभग 6 कंपनीज ने इस होटल स्कीम में अप्लाई किया है। आपको ये बता दें, आज की तारीख में जिस तरीके से ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, हम कहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, यहाँ पे रुझान झुकाव बन रहा है, आने वाला वक्त आप बहुत जल्द डेवलपमेंट के साथ इन क्षेत्रों में
प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदनी महंगी डेफिनेटली हो जाएगी। कब इसका स्तर ऊंचा जाएगा ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से डिमांड की बात आ रही है, लैंड अवेलेबिलिटी की बात आ रही है, तो ये सारा का सारा जेवर का जितना क्षेत्र है वो एक लिमिटेड क्षेत्र है जो यमुना अथॉरिटी के साथ सटा हुआ जेवर एयरपोर्ट के पास का इलाका है। तो जनाब जिस तरीके से डे बाय डे ये सारा का सारा कैप्चर हो जाएगा, तो आपको इन्वेंट्रीज ऊंचे स्तर पे आसमान की बुलंदियां छूते हुए दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो हर एक इंसान मेरे भाई बंधु तक पहुंच गया होगा। तो जनाब ये था एक खास अपडेशन जो हमने आपके पास अपने चैनल के माध्यम से दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, किसी भी तरीके का कमेंट करें, जो नए हैं चैनल से जुड़ जाए और हर खास अपडेशन की प्राप्त करते रहे। बस यही मनोकामना हमारी आपसे जुड़ी हुई है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको कभी निराश और आपको कभी भी किसी भी तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हमेशा आपको अपडेशन इस चैनल से देते रहे हैं और देते रहेंगे। बस यही हमारी एक आशा है और बस अब वक्त आ गया विदाई देने का। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।